का। शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। वो मोहब्बत की चाशनी, वो चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना, वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए, कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है, जी हाँ, कवि हाजिर है। अपनी आह पर उसे वाह सुनना बेहद पसंद होता है, तो आइए सुनते हैं आज की कहकशा से एक सितारा, कलीम सहसपुरी साहब को। तशरीफ लाएं कलीम साहब। मतलब हाजिर करता हूं, सुने। माना दुश्मन अगर नहीं कोई, माना दुश्मन अगर नहीं कोई, माना दुश्मन अगर नहीं कोई, दोस्त भी मोतबर नहीं कोई, दोस्त भी मोतबर नहीं कोई। और शेर हाजिर करता हूं सुनने का। तुम जमाने की बात करते हो, हमको अपनी खबर नहीं कोई, हमको अपनी खबर नहीं कोई, दोस्त भी मोतबर नहीं कोई, माना दुश्मन अगर नहीं कोई। एक शेर और आपकी समातों के हवाले सुनेगा। आपकी बात ही निराली है, आपकी बात ही निराली है, आप जैसा बशर नहीं कोई, आप जैसा बशर नहीं कोई, दोस्त भी मोतबर नहीं कोई, माना दुश्मन अगर नहीं कोई। हाजरीन एक मतला दो शेर और पढ़ता हूँ, सुनिए। फूलों की जिसने यारों कबा तार तार की, फूलों की जिसने यारों कबा तार तार
की वो बात करने आया है फसले बहार की, वो बात करने आया है फसले बहार की। और शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा। अब ले रहा है वो भी वफाओं का इम्तिहान, अब ले रहा है वो भी वफाओं का इम्तिहान, दिल ही नहीं ये जान भी जिस पर निसार की, दिल ही नहीं ये जान भी जिस पर निसार की। और देखिए हाजरीन, एक शेर और आपकी समातों के हवाले। किस्मत को अपनी ये भी गवारा नहीं है क्या, किस्मत को अपनी ये भी गवारा नहीं है क्या, मिल जाए खाक भी जो हमें कुएं यार की, मिल जाए खाक भी जो हमें कुएं यार की, मिल जाए खाक भी जो हमें कुएं यार की। और देखें हाजरीन, वादा किया था शाम का होने को है सहर, वादा किया था शाम का होने को है सहर, हद हो गई है अब तो तेरे इंतजार की, हद हो गई है अब तो तेरे इंतजार की। और मकता भी आपकी समातों के हवाले। सदियां लगेंगी जिसकी तलाफी में ऐ कलीम, सदियां लगेंगी जिसकी तलाफी में ऐ कलीम, रह रह के तुमने वो ही खता बार बार की, रह रह के तुमने वो ही खता बार बार की। बहुत शुक्रिया हाजरी, बहुत शुक्रिया कलीम सहस्पुरी साहब। तो दोस्तों आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा कलीम सहस्पुरी ने, तो आप बुलाते हैं रीता आदा साहिबा को, उनका कलाम सुनते हैं। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया, कवि हाजिर हैं का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें इस कार्यक्रम में मदो किया गया। एक मुकम्मल गजल आप सभी की जहीन समातों के नजर करते हैं, मुलायजा फरमाइएगा। एक झलक देख के बेकल तो नहीं हो सकता,
एक झलक देख के बेकल तो नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कोई पागल तो नहीं हो सकता। और धूप में छांव का एहसास दिलाएगा तुझे, धूप में छांव का एहसास दिलाएगा तुझे, दूर तुझसे मेरा आंचल तो नहीं हो सकता। और मेरे महबूब तेरे हिज्र का एक एक लम्हा साफ हो सकता है, संदल तो नहीं हो सकता। चांद एक ख्वाब की सूरत है सजा कर रखो, चांद एक ख्वाब की सूरत है सजा कर रखो, ये किसी आंख का काजल तो नहीं हो सकता। कांच के टुकड़ों पे चलना है जरा ध्यान रहे, कांच के टुकड़ों पे चलना है जरा ध्यान रहे, रास्ता इश्क का मखमल तो नहीं हो सकता। और मेरा किरदार है सोने से भी महंगा साहिब, मेरा किरदार है सोने से भी महंगा साहिब, वक्त की आग में पीतल तो नहीं हो सकता। और मक्ता समाप्त कीजिएगा कि बात ये सच है अदा, बात ये सच है अदा उसकी मोहब्बत के बगैर, ये मेरा इश्क मुकम्मल तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी कोई पागल तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला एक शेर और आप सभी के नजर करते हैं कि जहर गम अश्के नदामत बीते लम्हों की शराब, जहर गम अश्के नदामत बीते लम्हों की शराब, हिज्र की रातों में पीने के लिए क्या चाहिए। जी मतलब कुछ यूं हुआ है, कहानी अजब है मुलाकात की, गले लग के रोए न कुछ बात की, कहानी अजब है मुलाकात की, गले लग के रोए न कुछ बात की, मुसलसल बरसते हैं ये रात दिन, मुसलसल बरसते हैं ये रात दिन, है तासीर अश्कों में बरसात की, हम आँखों ही आँखों में पड़ते रहे, हम आँखों ही आँखों में पड़ते रहे, हंसी एक तहरीर जज्बात की। और अगला शेर देखेगा, जवाब एक भी हमको सूझा नहीं, जवाब एक भी हमको सूझा नहीं, झड़ी लग गई थी सवालात की, और तेरा नाम लिखना गजब हो गया, तेरा नाम लिखना गजब हो गया, लकीरें मिटा दी गई हाथ की। और मक्ता देखिएगा कि अदा इश्क की अपनी रफ्तार है, अदा इश्क की अपनी रफ्तार है, नहीं है ये मोहताज हालात की, अदा इश्क की अपनी रफ्तार है, नहीं है ये मोहताज हालात की, कहानी अजब है मुलाकात की, गले लग के रोए न कुछ बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
रीता आदा साहिबा, पहले आपने सुना गंगा के उस पार की एक गजल, उस पार का लहजा, उस पार का शायर। अब इस पार के एक शायर को बुलाता हूँ, बहुत बेहतरीन लबो लहजे के शायर, जनाब जुनेद अख्तर साहब, इस्तकबाल करते हैं। कवि हाजिर में हाजिरी के लिए डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया। गजल से पहले चंद अशआर अर्ज करता हूं कि ये रस्में बेवफाई आम क्यों है हम नहीं समझे, ये रस्में बेवफाई आम क्यों है हम नहीं समझे, मोहब्बत का चलन नाकाम क्यों है हम नहीं समझे। और जिन्होंने मैं कदे का मैं कदा बर्बाद कर डाला, जिन्होंने मैं कदे का मैं कदा बर्बाद कर डाला, उन्हीं हाथों में अब भी जाम क्यों है हम नहीं समझे। तो खालिस गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। गैरों से तेरा शिकवा कैसे करूं हर जाए, गैरों से तेरा शिकवा कैसे करूं हर जाई, गैरों से तेरा शिकवा कैसे करूं हर जाई, तेरी भी है रुसवाई मेरी भी है रुसवाई, तेरी भी है रुसवाई मेरी भी है रुसवाई। और शेर देखें, है जुल्फ अजब तेरी ए जान तमन्नाई, है जुल्फ अजब तेरी ए जान तमन्नाई, सिमटी तो बनी नागिन फैली तो घटा छाई, सिमटी तो बनी नागिन फैली तो घटा छाई, और मुझको मेरी रुसवाई किस मोड़ पे ले आई, मुझको मेरी रुसवाई किस मोड़ पे ले आई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई। और जब उसने सरे महफिल ली झूम के अंगड़ाई, जब उसने सरे महफिल ली झूम के अंगड़ाई, तस्वीर कयामत की आंखों में उभर आई, तस्वीर कयामत की आंखों में उभर आई। और हमको तो मोहब्बत में एक बात नजर आई, हमको तो मोहब्बत में एक बात नजर आई, आगाज हो कैसा भी
अंजाम है रुसवाई, आगाज हो कैसा भी अंजाम है रुसवाई। और गजल के मकतब पे आ जाता हूँ, ये भी मतलब नुमाई है कि दुनिया से जुनैद अख्तर क्या शिकवा रुसवाई, दुनिया से जुनैद अख्तर क्या शिकवा रुसवाई, मैंने ही खता की थी मैंने ही सजा पाई, मैंने ही खता की थी मैंने ही सजा पाई, गैरों से तेरा शिकवा कैसे करूं हर जाई, तेरी भी है रुसवाई मेरी भी है रुसवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या बात है, ये होती है गजल दिल चीरने वाली। तो आइए अब हुजूर चलते हैं सीमा शर्मा मेरठी के, कि वो आए और अपनी गजल से नवाजें। इस्तकबाल करते हैं सीमा शर्मा मेरठी साहिबा का। कभी हाजिर है कि पूरी टीम को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे मधु किया और मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। एक मतला एक शेर से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूं कि जिंदगी की राह पर जो जो कदम बढ़ते रहे, जिंदगी की राह पर जो जो कदम बढ़ते रहे, हर कदम पर रास्तों के पेचो खम बढ़ते रहे, हर कदम पर रास्तों के पेचो खम बढ़ते रहे, और दर्द की गुल्लक में अक्सर जख्म एक जुड़ता रहा, दर्द की गुल्लक में अक्सर जख्म एक जुड़ता रहा, सूखते आंसू रहे और दिल में गम बढ़ते रहे, सूखते आंसू रहे और दिल में गम बढ़ते रहे, और आसमां छूने की चाहत नहीं छोड़ी मैंने, आसमां छूने की चाहत नहीं छोड़ी मैंने, कैद में उड़ने की फितरत नहीं छोड़ी मैंने, और मैंने गहनों की तरह जिस्म पे पहनी है हया, मैंने गहनों की तरह जिस्म पे पहनी है हया, मेरे अंदर जो थी औरत नहीं छोड़ी मैंने, बेरुखी उसकी रुलाती रही आंखों को मेरी, बावजूद इसके मोहब्बत नहीं छोड़ी मैंने, बावजूद इसके मोहब्बत नहीं छोड़ी मैंने, और उसने खत फाड़ के जज्बात किए कत्ल, मगर उसने खत फाड़ के जज्बात किए कत्ल, मगर उसको खत लिखने की आदत नहीं छोड़ी मैंने, आसमां छूने की चाहत नहीं छोड़ी मैंने, और प्यार में डूब के भी कैसे उभरता है कोई, प्यार में डूब के भी कैसे उभरता है कोई, डूबा सूरज नए मंजर से उभरता देखो, डूबा सूरज नए मंजर से उभरता देखो, और मुझसे क्या पूछते हो कैसे मैं दिल में उतरूं, मुझसे क्या पूछते हो कैसे मैं दिल में उतरूं, जाओ दरिया को समुंदर में उतरता देखो, डूबा सूरज नए मंजर से उभरता देखो, डूबा सूरज नए मंजर से उभरता देखो, और इबादतों को मेरी रज जगह समझता है, गजल के कुछ शेर देखिएगा कि इबादतों को मेरी रज जगह समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है, और मैं उसको दिल से गजल की रदीफ कहती हूँ, मैं उसको दिल से गजल की रदीफ कहती हूँ, मुझे वो शेर का एक काफिया समझता है, मुझे वो शेर का
एक काफिया समझता है और तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश, तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, है कर्ब जलने का क्या बस दिया समझता है, इबादतों को मेरी रत जगह समझता है, और सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है, और कदम कदम पे बिछाता है ठोकरे सीमा, कदम कदम पे बिछाता है ठोकरे सीमा, थकान पाओ की कब रास्ता समझता है, थकान थकान पाओ की कब रास्ता समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है। एक मतलब दो शेर देखिए कि किस तरह खुद को भला, किस तरह खुद को भला हम आपका साबित करें, किस तरह खुद को भला हम आपका साबित करें, प्यार है तो है इसे क्यों बारहा साबित करें, प्यार है तो है इसे क्यों बारहा साबित करें, और टूट कर बिखरे कि चेहरों से उठाएं हम नकाब, टूट कर बिखरे कि चेहरों से उठाएं हम नकाब, ये बताओ खुद को कैसे आईना साबित करें, ये बताओ खुद को कैसे आईना साबित करें, और झूठ आखिर तक रहेगा झूठ कितने हो सबूत, झूठ झूठ आखिर तक रहेगा झूठ कितने हो सबूत, सच सबूतों का नहीं मोहताज क्या साबित करें, सच सबूतों का नहीं मोहताज क्या साबित करें, प्यार है तो है इसे क्यों बारहा साबित करें। और एक गजल के कुछ शेर देखें कि सुबह बाहर आई तो, सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, और भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई, और आईनों पे चंद कतरों के लरसते हैं बदन, आईनों पर चंद कतरों के लरसते हैं बदन, इसका मतलब है बहुत ही मुख्तसर बारिश हुई, इसका मतलब है बहुत ही मुख्तसर बारिश हुई, और तोड़कर पलकों का साहिल, तोड़कर पलकों का साहिल चेहरा जलथल हो गया, तोड़कर पलकों का साहिल चेहरा जलथल हो गया, और रक्स यादों ने किया और झूम कर बारिश, रक्स यादों ने किया और झूम कर बारिश हुई। और एक शेर बतौर खास देख लीजिएगा कि छोड़कर तुमको, छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़तो गई, छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़तो गई, रास्ते पुरपेच थे पूरे सफर बारिश, रास्ते पुरपेच थे पूरे सफर बारिश हुई, सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा शर्मा मेल्ठी साहिबा। और बिल्कुल आपको सच बात बताऊं, सच्ची सच्ची मुझे ना आज ये महफिल सुन के ना कई सारी गजलें आई हुई हैं बहुत तेज, तो अब मैं जाऊंगा आस्तीन वस्तीन चढ़ा के खूब गजलें पढ़ूंगा, तब तक के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है, खुदा हाफिज। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल, कैसा लग रहा है?
शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।